2023 की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन समुंदर पटेल की वापसी को लेकर अचानक ही जावद की राजनीति में राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा विरोध दिखाई दे रहा है। कमलेश्वर पटेल जो है आज यहाँ पर नीमच पहुंचे हैं, पहुंचने वाले, इसको लेकर अलग अलग समर्थक जो है, सत्यनारायण पटदर समर्थक, बालकिशन धाकड़ समर्थक जो है नीमच पहुंचे। इनके हाथों में तख्तियां हैं, बाहरी इंदौरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, बगावत करने वाले और पार्टी से गद्दारी करने वाले उम्मीदवार को मौका नहीं दे, स्थानीय उम्मीदवार को मौका दिया जाए। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर बालकिशन धाकड़ के समर्थक है जिनके हाथों में तख्तियां, इनसे बात करेंगे आखिर किस बात को लेकर नाराजगी और क्यों इन कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश देखा जा रहा है। भैया कहाँ से आए आप? हम लालगंज से। क्या चाहते हैं? जावद विधानसभा से हो ना? हाँ, जावद। क्या चाहते हैं आप लोग? बालकिशन जी को चाहते हैं हम। बालकिशन जाते काका, आप भी रहने वाले पुराने, कितने समय से पार्टी जुड़े हुए? तो 50 साल से जुड़े हुए। क्या लग रहा है पटेल साहब की वापसी को लेकर नाराजगी क्यों है लोगों में? क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता नाराज है, स्थानीय को देना चाहिए, वो बारी को क्यों दे रहे हैं? बारी को क्या क्या हो गया काका इसको लेकर? समुंदर पटेल को अगर टिकट मिलता है तो क्या हालात बनेंगे? राम कार्यकर्ता क्या चाहता है भाई? वो पार्टी छोड़ गया था, अठी रहता तो वो जीतता, बाकी में उसका मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी को हार दिलाई थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी उन्होंने पिछले बार, इसीलिए वो हारेंगे। इनको टिकट दिया जाए तो हारेंगे हारेंगे हारेंगे। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनको हराएंगे, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने जैसे छोड़ दी तो कार्यकर्ता भी छोड़ सकते हैं यदि उनको टिकट मिला तो। ऐसा मतलब इस बार समुंदर पटेल को टिकट मिलता तो विरोध रहेगा? रहेगा, भारी रहेगा। फिर कांग्रेस को सीट खोनी पड़ेगी? जीते खोनी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। कितने साल से कांग्रेस से जुड़े हैं आप? हम कांग्रेस से 83 साल से जुड़े हुए, 83 साल से जुड़े हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? बलदावदा। क्या चाहता है इस बार कार्यकर्ता? क्यों तख्तियां लेकर हाथों में आए? दल बदलू, समुंदर पटेल को अगर टिकट मिलता है तो वो हारेंगे। और पहले से ही क्या पता जो बीजेपी में जीतने भी, मतलब जीत भी जाए तो बीजेपी में चले जाएंगे, मतलब भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है। कार्यकर्ता कैसे भरोसा करे? कार्यकर्ता कैसे भरोसा करे? इसलिए हम क्या चाहता है कार्यकर्ता? बदलाव चाहते हैं हम। स्थानीय उम्मीदवार चाहिए हमारे जावद तहसील में कांग्रेस से, और हम दल बदलू के साथ नहीं रहेंगे। दल बदलू के साथ नहीं रहेंगे? घर वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है, इसलिए हम उनके साथ नहीं रहेंगे। बाहर के उम्मीदवार है और मेहनत इन लोगों ने कर रखी है हमारे जावद तहसील में। समुंदर पटेल तो कह रहे मेरे आने से पार्टी को मजबूत करने आए, कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मजबूत। समुंदर पटेल नहीं कांग्रेस को गिराई? ऐसा? हाँ, सिंधिया समर्थक ने सरकार गिराई थी, समुंदर पटेल ने जावद में सीट खरा दी। जावद में सीट समुंदर पटेल ने रही, इसलिए अगर पार्टी कांग्रेस उनको टिकट देती है तो समुंदर पटेल अवश्य हारेगा। वो 1000 लोग लेके तो गए वहाँ पे, बता रहे 1000 लेके गए, वो 1000 लोग ही वोट देंगे। 1000 लोकल थे क्या आपके यहाँ के? गए क्या कोई 1000? मेरे हमारे यहाँ कोई भी नहीं गए। तो फिर 1000 आए कहाँ से? अरे पर देख के देख लो, कमलनाथ जी देख के देख लो जो कैसे जीतेंगे वो। ऐसा कमलनाथ जी देख के देख लो। भैया कहाँ के रहने वाले हो? बालकिशन जी हमारे साथ में। बालकिशन जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, चाहे सत्यनारायण पटदर समर्थक हो, राजकुमार के समर्थक हो, चाहे आपके समर्थक हो, इस बार जावद विधानसभा में कार्यकर्ता की मंशा कर कौन सा उम्मीदवार पसंद करते हैं लोग? देखो, उम्मीदवार तो जनता की मांग रहेगी, वही उम्मीदवार आएगा, लेकिन स्थानीय की मांग बहुत बड़ी है। और मैं आज यहाँ आया हूँ, मेरे मन में ये पीड़ा नहीं है कि टिकट किसी को मिले, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मुझे रात दिन फोन करके पूछ रहे हैं कि हमें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, हम भाई साहब आपने बाहरी का सहयोग किया तो हम आपसे दूर चले जाएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना के साथ। 3 साल तक देखा जाता है कि पिछली बार भी कांग्रेस इंडिया ने सरकार गिराई थी, समुंदर पटेल में जावद में कांग्रेस को हार दिलाई थी बगावत करके पार्टी से। इसके बाद में जब टिकट सिंधिया गए वहां पे सरकार गिरी तो सत्ता जिसकी थी उस सत्ता के लालच में ये लोग समुंदर पटेल जी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। 3 साल भाजपा में रहे, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर विपदा आई, इन्हें आप ही का मामला आया, तब इन्होंने बयान दिया था, समाज के नाते भी होते, इन्होंने बयान दिया था कि तो कांग्रेस कार्यकर्ता राजनीति करना चाह रहे हैं, बल्कि एक मुसीबत के समय कार्यकर्ताओं का प्रभारी भी थे। ऐसे में अचानक से भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आना, लगता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ टिकट की मंशा खत्म हो गई थी तो यहाँ वापस आ गए? इसीलिए कार्यकर्ताओं को यही शंका है कि ये कार्यकर्ता जब पीड़ा में था, किसान मजबूरी में था, हजारों किसानों की जमीनें छीन ली गई, वहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, तब ये नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कांग्रेस का कार्यक्रम है, तो मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई बैनर नहीं लगा हुआ था, जैसे बीजेपी के नेता पूरन अहीर जी, उसके अलावा बहुत सारे नेता,
मंडल वाले ये भी वहाँ आए थे, तो कहीं ना कहीं उस समय वो पार्टी में थे, उनका ये सोचना था कि अपन क्यों चले, कांग्रेसों का कार्यक्रम है या किसानों का कार्यक्रम है। लेकिन आज जब उन्होंने पार्टी बदली तो उसी मुद्दे को लेकर बयान दे रहे हैं, तो लोगों की इसलिए गुस्सा है कि जब समय पर जरूरत थी किसानों को उस समय नहीं आ पाए, आज टिकट के या किसी दूसरी चीज के लिए, तो कार्यकर्ता को शंका है कहीं ना कहीं। अभी आम लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच भी जा रहे हैं, आम जन क्या चाहता है? कार्यकर्ता तो ठीक है, आम जनता क्या चाहती है? जिनके बीच आप जाते हैं, आधी रात को खड़े होते हैं, उनकी मंशा क्या है? स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जनता ये चाहती है कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में यह है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पार्टी से अगर दल बदल के आया है, तो निष्ठावान कार्यकर्ता जो 80 साल से जुड़ा हुआ है या 50 साल से जुड़ा हुआ है, आप ये बताइए कि उस कार्यकर्ता की जगह कहाँ रहेगी? दल बदलू के जो साथ हैं या कुछ बीजेपी के लोग साथ में आए, वो अगर आगे होकर काम करेंगे तो कांग्रेस का परंपरागत कार्यकर्ता किसके पास जाएगा? 1000 गाड़ियों का काफिला कैसे चला गया, वो लोग कौन थे फिर? 1000 काफिले में आधे से ज्यादा नंबर तो राहू मनासा मंसूर इनके बाहरी थे, उसके अलावा स्थानीय के भी जो कुछ बीजेपी के लोग गए थे, मेरी भी कुछ बात हुई तो उन लोगों का कहना था हम तो घूमने जा रहे हैं और इनको ऑफिस कांग्रेस में छोड़ने आए। कोई भी चलेगा बाहरी नहीं, मतलब बिल्कुल स्थानीय की देखो कार्यकर्ताओं की मांग है, मेरी नहीं है। स्थानीय में सर्वे में जो आएगा वो चलेगा, सर्वे में जो आएगा जो रहेगा उसके साथ तन मन धन से रहेंगे, उसको जिताएंगे, लेकिन अगर मैं भी चाहूं तो कार्यकर्ता बाहरी के लिए मेरा भी साथ नहीं देंगे। जैसा कि बता दो, बड़ी बात बोली है यहां पर, बोला कमल एक काका जी हमारे साथ में, इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी टिकट देख के देख ले, नतीजा भुगतने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहे। समुंदर पटेल ने पहले भी हार दिलाई थी और देखा जा रहा है कांग्रेस लामबद होकर जावद विधानसभा में काम कर रही थी, लेकिन अचानक जैसे ही समुंदर पटेल की वापसी हुई तो अचानक कांग्रेस पार्टी की राजनीति में उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। आज कमलेश्वर पटेल के आगमन पर जो तस्वीरें देखी गई, किस प्रकार से जावद विधानसभा की राजनीति में कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है, बाहरी उम्मीदवार को लेकर विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि समुंदर पटेल की घर वापसी को लेकर देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, कार्यकर्ता के हाथों में पोस्टर लेकर यहाँ पर आज जो आयोजन है इसमें कार्यकर्ता आए हैं। बता सकते हैं किस प्रकार से इनके हाथों में जावद का स्थानीय उम्मीदवार चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा लड़ेंगे जीतेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद। और आपको बता दें यहाँ पर हमारा नेता अपने बीच का हो और गद्दार को जो जो बागी चुनाव लड़े थे उसको लेकर विरोध बताया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे कार्यकर्ताओं की मंशा क्यों। एक तरफ कमलनाथ ने 18 अगस्त को जिस प्रकार से पटेल को सदस्यता ग्रहण कराई, उसके बाद देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधिया के कारण कांग्रेस की सरकार गई तो जावद विधानसभा में समुंदर पटेल ने कांग्रेस को हार दिलाने का काम करा था, जिसके बाद में वो कांग्रेस भाजपा में चले गए थे, भाजपा में टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है। कार्यकर्ता की मंशा क्या है और आम कार्यकर्ता क्या चाहता है? काका कहाँ के रहने वाले हैं आप? कदवासा। ये पोस्टर क्यों लेके आए हाथ में? ये पटेल जी को दे रहे टिकट जी, इसलिए आए। क्या लगता है कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता जो चाहते हैं सरजू पाटीदार को टिकट मिले। पटेल जी ने क्या बुराई है भैया? पटेल जी दल बदलू है, दल बदलू है, क्या भरोसा है? भरोसा नहीं तो कमलनाथ जी ने सदस्यता तो दे दी उनको। कमलनाथ जी ने सदस्यता दे दी तो कांग्रेस पार्टी में कोई भी आए तो सबका स्वागत है। स्वागत है भैया। मुझे बताइए जिस प्रकार से सिंधिया ने सरकार गिराई थी और जावद में कांग्रेस को बागी चुनाव लड़कर हार दिलाने का काम जो है वो समुंदर पटेल ने करा। पटेल बोल रहे मुझे सम्मान नहीं मिला, मैं संगठन के प्रति निष्ठावान हूँ, लेकिन एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्या लगता है टिकट के चक्कर में आए, क्या पूछे वो? जावद में सत्यनारायण जी पाटीदारी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जावद से जीत सकते हैं, बाहरी उम्मीदवार जावद विधानसभा के क्षेत्रवासी कतई सहन नहीं करेंगे। पटेल साहब को टिकट देने की बोला चर्चा होगी, फाइनल टिकट तैयारी चल रही है। वो तो कोई टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलने तो स्थानीय इतने साल से खर्चा कर रहा है, पार्टियां काम कर रहा है, इसलिए उसको टिकट कैसे दे देंगे? जनता जैसा व्यक्ति चाहती है, जैसा उम्मीदवार चाहती है, जनता चाहती है इस बार जावद विधानसभा स्थानीय आदमी को मौका मिले और जो पार्टी का झंडा पकड़ के चलेगा बस बाहरी उम्मीदवार को। आप काका क्या उम्र है आपकी? आपकी 70 साल। क्या चाहते हो स्थानीय बाहरी? हां जो छावे कौन चाहता है? सत्यनारायण छावे ना काका। भैया मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले आप? कच्चा लागे के रहने वाले, जावद विधानसभा से। जावद विधानसभा। क्या लगता है कि 3 साल भाजपा में गए, कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया, अब घर वापसी की आपके जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कमलनाथ जी ने घर वापसी कराई है, ऐसा लग रहा है कि कुर्सी का लालच जो है, अब पटेल साहब को टिकट मिलेगा तो कांग्रेस के क्या हालात बनेंगे जावद में? अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार तो मतलब कांग्रेस को हार मिलेगी जीत मिलेगी? हार मिलेगी। हार मिलेगी। कहाँ के रहने वाले भैया आप? बोरजा के। ये इंदौरी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बागी, क्या है ये? क्या है क्या क्या कांग्रेस को पार्टी क्या तमाशा देर का है क्या? पहले तो भाजपा गए फिर वापस कांग्रेस में आ गए, क्या तमाशा है क्या कांग्रेस पार्टी का? ये तो क्या तो बोल रहे, मैं तो पार्टी को मजबूत करने आया हूँ, पटेल साहब मजबूत करने। पहले भी हमारे समर्थन लड़े थे आटे। हाँ। नहीं चाहिए हमारे। जावद के लिए पटेल साहब ने किया क्या है ये सवाल बड़ा जनता कुछ नहीं किया है। वो कुछ नहीं किया है, हार तो दिलाई, हार कांग्रेस को हार तो दिलाई, तो कांग्रेस को हार दिला रहे बार बार, और हार दिला रहे। क्या लगता है आपको
क्या इस बार भी क्या करेंगे वो, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा उसको। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत मिलेंगे, हार मिलेगी जीत मिलेगी उनकी वजह से? उनकी वजह से तो हार भी मिल सकती है। अगर टिकट मिला तो? टिकट मिला तो ही। कहाँ के रहने वाले हैं? अटवा। जावद विधानसभा के हैं? हाँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है? ये अपने सत्तू पाटीदार जी को जिताना है और अपने एरिया के है और इंदौर उनको कहाँ ढूंढेंगे? सत्तू जी को नहीं मिला तो स्थानीय कोई भी चलेगा या सिर्फ सत्तू जी चलेंगे? बात तो ये अपने एरिया का हो तो अच्छा, एरिया का हो, कुल मिला के स्थानीय उम्मीदवार चाहिए आपको। हाँ, हाँ, जो सर्वे में आए उसको मिले। हाँ बेस्ट। लेकिन इंदौरी मिल गया तो बाबू इंदौरी बाबू के चक्कर में क्या होगा? इंदौर दस जने साथ वो तो नहीं मिले पटेल जी हमारे को ऐसा, वो तो बोल रहे मुझे 34,000 वोट मिले पिछली बार, जनता ने बहुत सहयोग दिया। हाँ एक हजार गाड़ियों का काफिला लेकर गए हैं, बता रहे बड़ा समर्थन है। क्या कह रहे भारी उम्मीदवार? क्या कह रहे हो? किराए कोई भी जगह इंदौरी, अगर इंदौरी बाबू बना तो क्या रहेगा, कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको? ढूंढना इंदौर में तो मिलेंगे? मैं तो जावत ढूंढना, जावत ढूंढना। वो तो बोले मैं जावत में बहुत काम करा पब्लिक के बीच, बहुत मेरी नहीं मिलेगा। काका बताइए क्या के रहने वाले आप? अभी जो मैं डीकेन का रहने वाला हूँ, जावद विधानसभा ही है। क्या कार्यकर्ता की मंशा, अगर समुद्र पटेल की आने से क्या घर वापसी जो कहने की बात करी जा रही है, कांग्रेस मजबूत होगी क्या रहेगा? मेरा कहना तो ये है कि पटेल साहब 1000 गाड़ी भर के भोपाल ले गए, उसमें कितने बीजेपी के आदमी थे? सब कांग्रेसी थे। समंदर पटेल के अलावा एक भी बीजेपी का सरपंच या जनपद अध्यक्ष या कार्यकर्ता बता दो ये मेरे साथ बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में। घर वापसी अगर करनी है तो इतना ड्रामा क्यों पटेल साहब का? ये सबसे बड़ा सवाल है। पैसा करवा रहा है, पैसा करवा रहा है, पैसा करवा रहा है और कुछ नहीं है। कुर्सी नहीं करवा रही क्या? नहीं, कुर्सी उर्सी के लिए करवा रहा है पैसा, के लिए पैसा करवा रहा है। कुर्सी मिले किसी भी तरह से। कमलनाथ जी को गुमराह कौन कर रहा है फिर? कमलनाथ जी गुमराह ये कर रहे पैसे वाले सब, ये जीतू पटवारी वगैरह ये करेगा गुमराह सब। जीतू पटवारी तो जावद विधानसभा में आम कार्यकर्ता क्या चाहता है? आम कार्यकर्ता सत्यनारायण पाटीदार को टिकट मिले, स्थानीय हो, दूसरा कोई नहीं, स्थानीय कोई दूसरा मिले, कोई दूसरा कोई नहीं, केवल सत्यनारायण पाटीदार को टिकट। क्या है सत्यनारायण पाटीदार? सत्यनारायण पाटीदार मेहनत कर रहा है, 15 सालों से घर बर्बाद कर दिया उसने, अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया पार्टी के पीछे। कार्यकर्ताओं को भरोसा किस पे? हमारे को सत्यनारायण पाटीदार पे भरोसा। सत्यनारायण पाटीदार भैया युवा है आप, कहाँ से लेने वाले हैं? राणाखेड़ी। ये पोस्टर क्यों लेके इंदौरी नहीं सहेंगे? कौन है इंदौरी बाबू? लेकिन इंदौरी कौन है? समुद्र पटेल। क्या पटेल साहब को पसंद नहीं करते हैं क्या? नहीं। कारण क्या है पटेल साहब में, क्या बुराई है? हाँ नहीं करते हैं। क्या है बुराई पटेल साहब में? पटेल साहब बार बार इधर उधर आते जाते रहते हैं। हाँ। इसलिए उनको हम सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बता दूं यहाँ पर आज कमलेश्वर पटेल आने वाले हैं, कार्यकर्ता यहाँ है, अपने हाथों में तख्तियां, इंदौरी नहीं सहेंगे, निर्दलीय गद्दार नहीं चलेगा। चाहे कमलनाथ जी ने समंदर पटेल को सदस्यता जरूर दे गई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। कहाँ के रहने वाले प्रजापति जी? मोरवन मंडल के रहने वाले। क्या लगता है कार्यकर्ता जिस प्रकार की मंशा है, कमलनाथ जी के लिए सर्वे में टिकट देंगे, समुद्र पटेल की वापसी से कार्यकर्ताओं में आज कमलेश्वर पटेल आने वाले हैं, अपने हाथों में पोस्टर है, क्या लगता है क्या विधानसभा में क्या हालात बनेंगे? विधानसभा में हालत बनेंगे, जो 15 साल से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है और हर कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है, हर कार्यकर्ता जहाँ भी मीटिंग होती है अपना निजी तेल भरा के ये के लिए आते हैं और कांग्रेस पार्टी जाते हैं, 15 दिन के लिए ऊपर से टिकट देते हैं। पटेल साहब को कह रहे मैंने बहुत कुछ करा जावत में कांग्रेस के, साहब ने कहा क्या 3.5 सालों के बीजेपी में जाते हुए बीजेपी में कार्यकर्ता वक्त नहीं की इसलिए वापस भग के कांग्रेस में आए। क्या लग रहा है? तो पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं? पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो जिनको कार्यकर्ता दे रहे हैं निर्दलीय के साथ उनको मजबूत कर रहे हैं, पैसे दे देंगे। वो तो 1000 लोग लेके बोले तो बड़ा काफी लग गया उनके साथ, बड़े जैसे लगे राहू के थे वो जावद राहू के टिकट मिले थे, जावद आने का जो बड़े थे उनको जावद आने की जादू, तो टिकट तो उनकी मंशा तो जावद की है, मैंने जावद के लोगों के लिए बहुत कुछ करा। आप वहाँ के इंदौर के स्थानीय उम्मीदवार हो तो वहाँ से टिकट मांगो, जावद में आपका क्या अधिकार है? अब देखना होगा कमलनाथ जो सर्वे की बात करते हैं, कमलनाथ जो पार्टी को विजय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या कमलनाथ सरकार जो है कांग्रेस पार्टी है वो इन कार्यकर्ताओं की मंशा सुनेगी या फिर समुंदर पटेल को दावेदारी देकर जावद में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान भुगतना होगा।